हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी वाले मैच के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मैच होने वाला है, तो मज़ा आएगा इस मैच को देखकर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को मैच प्रीव्यू दूंगा इस मैच के लिए। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ पर ये मैच देख सकते हैं और कितने बजे ये मैच शुरू होगा। तो 5:30 PM शुरू हो जाएगा ये मैच और आप इसे स्टार स्पोर्ट्स, हॉटस्टार और जियो टीवी पर देख सकते हैं। तो मैच प्रीव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर दबाएं। तो नोटिफिकेशन बेल दबाने का फ़ायदा ये है कि मैं जब भी फ्यूचर में अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। नोटिफिकेशन बेल दबाने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक भी करें इस वीडियो को। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि चैनल एक तरह से ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है इस चैनल की। तो अगर आप लोग किसी भी तरह से मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग लाइक करें इस वीडियो को, और साथ ही साथ जितनी भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूंगा उन्हें भी लाइक करें। तो मान लो अगर मेरी इस वीडियो को 100 व्यूज़ आते हैं और उन 100 व्यूज़ में से मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो YouTube के सॉफ्टवेयर को लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कंटेंट है और इसे एडिशनल बूस्ट मिलना चाहिए। इसलिए फिर मेरे चैनल को थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा YouTube से, थोड़ा सा मुझे बूस्ट करेगा YouTube और मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप लोग किसी भी रूप में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो बस लाइक मारो यार वीडियो को, बाकी कुछ नहीं है। अब शुरू करते हैं वीडियो के असल मुद्दे की बात। तो सबसे पहले गाइस बात करेंगे चेन्नईयन एफसी के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव स्टार्ट था चेन्नईयन की टीम का और सबको लगा कि जो मोमेंटम है पिछले सीज़न का वो अभी तक बरकरार है। पर उसके बाद चेन्नईयन की टीम ने 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस हारे और 1 मैच ड्रॉ किया, जिसकी वजह से अभी चेन्नईयन की टीम 8th रैंक पर है पॉइंट्स टेबल पर। अच्छा फुटबॉल खेल रही है चेन्नईयन की टीम, चांसेस क्रिएट करती है, दिक्कत बस इतनी सी है कि जो चेन्नईयन एफसी के अटैकर्स है वे कैपिटलाइज नहीं करते उन चांसेस पर। तो फिर अगर आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे चांसेस पर तो फिर गोल्स कैसे आएंगे और आप मैचेस कैसे जीतेंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रही है चेन्नईयन की टीम की कि इनके जो अटैकर्स है वो चांसेस पर कैपिटलाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ चेन्नईयन एफसी के 3 की प्लेयर्स को इस समय इंजरी है और वे कल के मैच में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। उन तीनों प्लेयर्स का नाम है एनएस सिपोविच, अनिरुद्ध थापा और इस्मा। ऑब्वियसली चेन्नईयन एफसी की टीम मिस करेगी अपने की प्लेयर्स को, पर इनको साइड रखते हुए कुछ इस प्रकार होगा चेन्नईयन एफसी का पॉसिबल लाइनअप। तो 4-2-3-1 का फॉर्मेशन होगा एज यूजुअल। गोलकीपर होंगे विशाल कैत, राइट बैक रीगन सिंह, लेफ्ट बैक जेरी, 2 सेंटर बैक्स होंगे एलिस साबिया और दीपक टांगरी, 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स होंगे एडविन वनस्पॉल और मेमो, अटैकिंग मिडफील्डर होंगे राफाइल क्रिवलेरो, उसके बाद राइट विंगर होंगे फतकुलो, लेफ्ट विंगर होंगे छांगटे और सेंटर फॉरवर्ड होंगे जाकोब सिल्वेस्टर। तो इंजरीज़ के बावजूद भी बहुत ज़्यादा डिसेंट लाइनअप है, ये सॉलिड लाइनअप है, डेप्थ है, सॉलिडिटी है। तो बस प्लेयर्स को खुद पर विश्वास रखना होगा, इन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला है अभी तक, बस एक चीज़ नहीं करी अभी तक इन्होंने और वो है कि चांसेस पर कैपिटलाइज़ करें। बस चांसेस पर अगर ये कैपिटलाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सॉलिड टीम है और टॉप 4 की डेफिनेटली एक कंटेंडर है। अब मैं बात करना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, जो कि अभी तक अनबीटन है हीरो इंडियन सुपर लीग सीज़न 7 में। तो अभी तक 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोच जिराड नूस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि कोच अपने साथ लेकर आए हैं एक नेवर से डाई एटीट्यूड। क्योंकि बहुत बार इस सीज़न में ऐसा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम पिछड़ी है पर
अपने फाइटिंग स्पिरिट की वजह से मैच में कमबैक करती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम। तो बहुत बार ऐसा लगा है कि आज हार जाएगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम, पर लड़ती है ये टीम और जीतती है और हार नहीं मानती है कभी भी फील्ड के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे टीम के पॉसिबल लाइनअप के बारे में। तो 4-3-3 का फॉर्मेशन यूज़ करेंगे कोच जिराड नुस, गोलकीपर होंगे गुरमीत सिंह, राइट बैक आशुतोष मेहता, लेफ्ट बैक गुरजिंदर कुमार, दो सेंटर बैक्स होंगे डीलन फॉक्स और बेंजामिन लैम्बोट, तीन मिडफील्डर्स होंगे अपुया फनाए और खासा कमारा, और तीन अटैकर्स होंगे निंथॉय मीटी, लुइस मचादो और क्वेसी अपाया। तो ये है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का पॉसिबल लाइनअप कल के मैच के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट की टीम ने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेला है और हम लोग आशा करेंगे कि आगे भी ये लोग इसी फॉर्म को और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करें। तो दैट्स इट विद द वीडियो गाइस, कल का मैच देखना मत भूलना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार मैच होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, पीस आउट।